नमस्कार दोस्तों, सस्पेंस से भरी फिल्मों और वेब सीरीज की कहानी सुनते ही उत्साह और रोमांच का अनुभव होने लगता है। सस्पेंस वाली फिल्में हमें हकीकत और रहस्य के गहरे संगम में ले जाती हैं। इन कहानियों में अज्ञानता, डर, रहस्य, समाप्ति के तप्त और आगे क्या होगा का इंतजार महत्वपूर्ण होते हैं। यह कहानी हमें विचार करने पर बाध्य करती है और हमें नए रहस्यमय दुनिया में प्रवेश कराती है। आइए आज जानते हैं नेटफ्लिक्स पर मौजूदा उन 6 सस्पेंस से भरी फिल्मों के बारे में जो अब तक की सबसे बेस्ट मूवी है। LA Confidential, यह एक अमेरिकी क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो जेम्स एल रॉय के उपन्यास LA Confidential पर आधारित है। यह फिल्म 1997 में रिलीज हुई थी। इसे कर्टिस हैंसन ने निर्देशित किया था। फिल्म में रहस्यमय और थ्रिलिंग पलों के साथ साथ यह भी दिखाती है कि लॉस एंजलिस के पॉलिटिक्स और पुलिस विभाग के अंदर छिपे हुए राजों को सामने लाती है। LA Confidential ने अपनी कहानी, कला और निर्देशन के लिए बहुत पुरस्कारों को जीता और यह एक क्लासिक क्राइम थ्रिलर के रूप में मानी जाती है। यह फिल्म क्राइम और मिस्ट्री के तत्वों से सस्पेंस को तैयार करती है। IMDb पर 8.2 की रेटिंग है। $35 मिलियन की लागत से इसे बनाया गया था, जिसने $126 मिलियन कमाए थे। आर्मी ऑफ थीफ्स 2021 की डकैती वाली कॉमेडी फिल्म है। अगर आपको चोरों की कहानी और फिल्में देखना पसंद है तो यह आपके लिए है। जर्मनी की सुपरहिट फिल्म आर्मी ऑफ डेड के विलन से जुड़ी है। इस फिल्म में सेफ क्रेकर और मैटियास श्रंगहोफ का किरदार लेते हैं, जो एक सुपर स्मार्ट और रोमांटिक सीरियल किलर है। फिल्म में हंसी, रोमांस और थ्रिल एक साथ देखने को मिलते हैं, जो इसे देखने वालों को अपनी सीटों पर बांधे रखता है। आर्थिक नुकसान की भयंकर स्थितियों के बीच यह फिल्म चोरी और रोमांस का मिलन कराती है, जिससे दर्शकों को हर पल कुछ नया और रोमांटिक देखने को मिलता है। IMDb पर 7 की रेटिंग है, जिस पर से नजर नहीं हटती है। एंड ऑफ द रोड, यह एक 2022 की अमेरिकी क्राइम थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म की कहानी में हर मोड पर थ्रिल है। इसे हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिल में एक कंट्री रोड ट्रिप ब्रेटा और उसके परिवार के लिए नरक का राजमार्ग बन जाती है। न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में अकेले जब यह सब लोग एक रहस्यमय हत्यारे का निशाना बन जाते हैं, तो उन्हें अपने जीवन के लिए लड़ना पड़ता है। बेहतरीन कहानी है और यह किस तरह अपने जीवन को बचाती है वो देखने लायक। ए वॉल्क अमंग द टॉम्बस्टोन्स, यह एक अमेरिकी क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसे लॉरेंस बोल्कनी ने डायरेक्ट किया है। लियाम नीसन फिल्म में मुख्य भूमिका में है। फिल्म एलन ग्रेनर की उपन्यास सीरीज ए वॉल्क अमंग द टॉम्बस्टोन पर आधारित है। फिल्म में डेविड हॉर्मर, डेन स्टीवंस, अरियाना बेगर और रॉयड हॉन्स्किन जैसे बड़े एक्टर हैं। फिल्म ने रहस्यमय, रोमांच जगा देने वाले और डार्क वातावरण के साथ एक गहरे क्राइम ड्रामा को प्रस्तुत किया है। इसमें निशन की शानदार अदाकारी और दृश्यों की बेस्ट स्क्रीनिंग की तारीफ करनी होगी। IMDb पर 7 की रेटिंग है, जिसे $28 मिलियन से बनाया गया था, जिसने $62 मिलियन का कारोबार किया था। सेवेज एक क्राइम थ्रिल फिल्म है जो डॉन बेंसलो के उपन्यास पर आधारित है। इसमें टेलर किट्स, आरोन टेलर जॉनसन और ब्लेक लाइवली है। यह कहानी दो ड्रग्स डीलर की, जॉन और बेन, जिनकी सियार्ड गर्लफ्रेंड ओफिलिया किडनैप हो जाती है। जब वो उसे बचाने के लिए कोशिश करते हैं तो हिंसन ड्रग कार्टेल उनके खिलाफ उठ जाती है। यह एक इंटेंस और एक्शन से भरपूर ड्रग वॉर को दिखाती है। इसे $45 मिलियन की लागत से बनाया गया था, जिसने $85 मिलियन कमाए थे। IMDb पर इसकी रेटिंग 7 की है। द इंटरप्रेटर एक पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म है जिसे सिडनी पोलाक ने डायरेक्ट किया है। निकोल किडमैन और सीन पेन ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म एक संयुक्त राष्ट्र के चारों ओर घूमती है जब उससे एक साजिश का पता चलता है जो अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित है। सीन पेन का किरदार एक फेडरल एजेंट का है जो इस राज्य को सुलझाने में मदद करता है। यह फिल्म सस्पेंस, डिप्लोमेसी और राजनीतिक साजिश को एक साथ लाती है। IMDb पर 7 की रेटिंग है, जिसे $80 मिलियन की लागत से बनाया गया था, जिसने $162 मिलियन कमाई थी। इस बारे में आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।